हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अम्मा जी किचन में लगी हुई हैं। मैं सो रहा था तभी इन्होंने आवाज़ लगाया। और ये देखिए, दिल्ली की बारिश ऐसी बारिश होती है कि 10 मिनट 15 मिनट का इन्होंने बोला कि गेहूँ हमारा ऊपर छत पे रखा हुआ भीग जाएगा, जाइए लेके आइए। मैं फटाफट गया लेके आया हूँ और एक बार बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़ी सी बारिश हुई, सड़क गीला हो गया, उसके बाद बंद हो गया। ऐसी दिल्ली की बारिश होती है। इधर सोनाक्षी मैडम तैयार हो रही हैं अपना स्कूल जाने के लिए और ये सब अपना सो रहा है। अभी उसका टाइम होगा तो उठेगा। और इधर वंदना जी अपना किचन में काम कर रही हैं। क्या बना रही है जी? पास्ता बना रही हूँ। पास्ता बन रहा है, मैं मसाला वगैरह कर रही हूँ। दूध नहीं जा लेते, चाय वगैरह भी बना लेते हैं, इसी लागे राशन आता है तभी हम ला के रख देते हैं। पास्ता वास्ता जो आता है तो अपना कभी कभार बना देती है ये। और देख सकते हैं, तब मैं जाके दूध ले आता हूँ। तो पास्ता बनाने के बाद देखिए, अन्ना जी सोनाक्षी का बाल झाड़ रही हैं और सोनाक्षी पास्ता खा चुकी है और इसका टाइम भी हो रहा है। गाड़ी आने वाली है कुछ ही देर में और उसके बाद फिर ऋषभ को तैयार करेंगे, उसका भी टाइम हो रहा है। चलिए मिलेंगे थोड़ी देर में, तब तक तैयार कर देती है इसको। तो फैमिली, ऋषभ सो के उठ गया है और ये देखिए दूध पी रहा है और मैं इसका सर दबा रहा हूँ क्योंकि तैयार हो गया है स्कूल के लिए। इसका टाइम हो रहा है ना बेटा। राधे राधे बोल दो, बोलो बोलो बोलो, गुड मॉर्निंग राधे राधे, बोलो 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 बोलो, कह दो गुड मॉर्निंग, जोर से बोलो। हाँ, अच्छे बच्चे हो ना, बोलो बोलो, पहले बोलो, तब पहले बोलो, इसको बोलो तो नहीं बोल, धीरे धीरे बोला, बोल गुड मॉर्निंग राधे राधे। ऐसा है, जब उसके मन में आएगा तो बोलेगा, नहीं आएगा तो नहीं बोलेगा। हम इसका सर दबा दे रहे हैं और इधर पैर, वंदना जी अपना पैर दबा रही हैं ऋषभ का। सोनाक्षी स्कूल चली गई है ना बेटा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या मेरे बच्चा, क्या बोल रहे हो? हिंदी का बताए। हाँ, काम पूरा अपने से कर लिया। ओहो, हिंदी का काम। गुड मॉर्निंग, तो हिंदी का काम ऋषभ अकेले कर लिया अपने से, कराना नहीं पड़ता। ये देखो शीशा में देखने गया, कैसा लग रहा हूँ, बहुत प्यारे लग रहे, स्मार्ट बॉय। चलो आ जाओ। तो किट्टो ने ये पर्स दिया हुआ है, जिम्मी चो। चलते हैं ऋषभ को लेके, छोड़ते हैं स्कूल। स्कूटी से तो जाने चाहिए, कोई पैदल जाते। हाँ, कीचड़ हुआ ना, बारिश हुआ है इसलिए स्कूटी से चलेंगे। बारिश नहीं हो तो पैदल चलते ना। A few moments later. मैंने दे दिया कपड़ा जो सोनाक्षी का मेरे पास था, अभी भी लेडीज आई थी उसको दिया है। अच्छा किया, बहुत बढ़िया। कह रहे भाई बहुत अच्छा किया, इन्होंने भी उसकी हेल्प की है। 100 रुपीज दिए हैं, 100 रुपीज कोई देता नहीं, 10 रुपीज 20 रुपीज बस इतना ही देते हैं, इन्होंने 100 रुपीज दे दिया है। तो चलते हैं, हमारी ग्रीन लाइट हो गई, हम रेड लाइट पे खड़े थे, देख सकते हैं रेड लाइट पे खड़ा था मैं। सो गाइस, मैं घर पे आ गया हूँ और घड़ी 8:30 बज गए हैं और इस टाइम काम उम नहीं है तो घर पे थोड़ा जल्दी आ जा रहा हूँ मैं। और इधर वंदना जी अपना लेटी हुई है, पूछ रहा हूँ क्या आएगा सब्जी। तो पता नहीं कौन सी दुनिया मग्न है और समझ में नहीं आ रहा, जब रात होता ना इनको बताती हूँ। इनको हम कितने दिन से बोल रहे हैं कि मम्मी को बुला लो, एक दो चार दिन हफ्ता भर हमारे यहाँ भी रहें। अरे जब चली जाएंगे तो कैसे रहेंगी, इतने दिन से आए बताओ, हफ्ता भर हमारे यहाँ भी नहीं है, आती है रात को सुबह चली जाती है। अब ये चीज बोलते हैं शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाता है कि यार इतना दिन बेटे के घर थी, कम था। जाओ सोनाक्षी लेके अपनी नानी को, हम जाए और कौन जाएगा, एक हफ्ता
इतना दूर हम जा नहीं रह सकती है हम लोग भी। और क्या फिर जाने का टाइम हो जाएगा तो आप घुमा दीजिए मम्मी को ना एक आध दिन ले चल कर घुमा दीजिए। बोले तो लोग अपने मम्मी को घुमा दो। अरे जब वो आए अरे हट यार क्यों नहीं आ रही दो दस रुपए आती चली जाती है आती चली जाती है। कल कौन सा दिन शनिवार है उस दिन कल चलो अब कल को मम्मी कभी आई फिर से दिल्ली आएंगे अगर हम बुलाएंगे इसे अपना घर ले लेंगे तो आप मम्मी का आई जैसे कह बुलाएंगे आएंगी तो यहाँ से आएंगे तो क्या हम कहेंगे तुम आओ मेरे घर आएंगे क्या कभी इतना दिन के लिए रुकेंगी क्या उनका बच्चा पैदा तब आए कभी आए थे हम भी इतने साल से तभी आए मम्मी कभी कहीं जब किसी को कोई मुसीबत पड़ता है तभी कोई मेन गार्जियन आता है। मेरी मम्मी मेरी शादी हुई तभी मेरी ससुराल का मुंह नहीं देखी थी लेकिन रिसेप के टाइम पे इतना सिचुएशन मेरा खराब हो गया था तब मेरी मम्मी आई थी। सुनो कल चलते हैं कालका जी इस्कॉन टेम्पल और लोटस टेम्पल। 12 दिन तो बीत गया ना 13 दिन 14 दिन पूजा पूछे मम्मी जाएगी फोन किए थे बीने आएंगे तब तो बात होगा। आ गए हमने बीने बीने आज गए हैं 5 बजे ड्यूटी आज नाइट पर ड्यूटी है। कल हम आ रहे थे तो वहीं खड़े थे रास्ते में चिराग दिल्ली में कपड़ा कहाँ से दिखाती पीछे भी नहीं लेके आए आज सोनाची का जो कपड़ा था छोटा वाला ना हम दे दिए एक लेडीज को वही रास्ते में खड़ी थी हमारा कपड़ा सब दे दिए हम उनका कोमल का फोन स्विच नर्सरी वाला दिया जो नर्सरी में पहन के जाते थे झोले में था सब दे दिए कोमल फोन लगाए थे स्विच अब बता रहा है पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था बात किससे करे बिना होता तो बिना भी करते हैं। सुनो हम बोल रहे हैं मम्मी को कल बुलाओ और कल चलते हैं घूमने के लिए और मम्मी को एक हफ्ता अपने घर पे रखेंगे हम मम्मी कल चलिए घुमा देते हैं और दर्शन का मम्मियों का कभी भी जा सकते हैं अब बीत बिताएंगे हम क्लॉक में। तो सो फैमिली हम सोच रहे हैं अगर कल जो है मौसम ना थोड़ा ठंडा हो और बादल उदल छाए रहेंगे तो मम्मी को घुमा देते हैं फिर संडे को चलेंगे ना जी। मम्मी से एक बार पहले पूछ लो मम्मी जाएंगे कि नहीं क्यों मम्मी नहीं मम्मी का तो मन है घूमने का क्यों नहीं जाएंगे जाएंगे अब तो हो गया ना अब तो टेंशन नहीं है ना पहले तो था कोमल दिक्कत थी चलो बच्चा होने वाला है कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी अभी कह रहे हैं और दिक्कत है बच्ची की देख रेख के लिए मम्मी ज्यादा केयर करती है ना उनको एक्सपीरियंस है हर चीज का। चलो ये चीज बातें होती रहेंगे बताओ क्या लाना है खाना पीना में क्या खाओगे चावल खत्म है इनका तो पूरा ध्यान खत्म है राशन खत्म है लगभग लिखी हो बिल उल बनाई हो कुछ आखिर के सामने दिखाई ले तो सब्जी में क्या आएगा सब्जी में मार्केट में कोई सब्जी नहीं मिल रहा है जब हम इनको बोलते हैं ये खाओगे वो खाओगे तो मना कर देते हैं सीधा बैगन मिला था गोभी ले आलू गोभी सब्जी ये देखो कटहल का सब्जी बरसात में कटहल ना खाए ना गोभी खाएंगी ना कटहल खाएंगी ना सोया चाप खाएंगी ना मशरूम खाएंगी पनीर का दूसरे चार सब्जी बनाए हम बताओ पनीर खाएंगे भुजिया बना हुआ जब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है गले में खराश हो रही है पनीर की भुजिया बनाई और इनका तो मलपुआ खाने का मन करता है हमें बोलेंगे कि आप तो कुछ खाते ही नहीं है बताओ हम कटहल खाते हैं गोभी खाते हैं आलू बैगन भी खाते लेकिन दो रुपया कहाँ जाए घर में दिन भर बैठी आई के रुपया हमके दे वाला नहीं बा 100 रुपए नहीं देके गए सुबह झूठ बोला करे पता है बहन इनको अब ज्यादा पैसा नहीं देते ज्यादा देते ना खर्च कर देते इसलिए अब मेरे हाथ में पैसा बिल्कुल इनको 100 रुपए 50 रुपए और ज्यादा कुछ होता है तब देते हैं पैसा नहीं तो नहीं देते हमारे हाथ में पैसा रहता ही नहीं गाइस आप हमसे कभी भी 500 भी मांगेंगे उधार ना हम तभी भी नहीं हम इनको फोन करेंगे मैं क्योंकि पैसा नहीं रखती क्योंकि मेरा हाथ बहुत खर्चीला है अब बच्चों के पीछे ही खत्म होते अपने पीछे नहीं की जीप चटवाई है खा ली है सोचो जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे और तुम रितु के साथ में चल रही थी वो लोग खा पी रहे थे और तुम अकेले अकेले भागी जा रही थी तुम बोले हमारे पास पैसा ही नहीं तो वो लोग इनको खिला रहे थे तब हम पीछे पीछे आगे जल्दी जल्दी भागी जा रही थी ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं रहता है सच में इनके हाथ में पैसा नहीं रहता हमारे पास ही रहता आता है खूब इनको जितना जरूरत रहता उतना ही देता हूँ लिमिट के हिसाब से देखिए कोई मेरा हाथ देख के बताएगा ये देखिए मेरा नाखून देखिए पीला नहीं दूर हो रहा है देखो इनको अगर 500 रुपए दे के जाऊँ ना कल परसों खत्म कर देंगे तो सो गाइस ये लोग बातें कर रहे हैं मैं चलता हूँ सब्जी लेने के लिए अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।